श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर पौद्गलिक है, भौतिक है, और आत्मा चैतन्यमय है, इसलिए दो बन गए, एक भौतिक पक्ष और एक आत्मिक पक्ष। इन दोनों का सम्यक दर्शन हो तो जीवन अच्छा चलता है, और केवल आत्मा या केवल पुद्गल और भौतिक उसका आग्रह हो तो जीवन एकांगी बनता है और मिथ्या दृष्टिकोण पनपता है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है तो समस्या सुलझती है, और मिथ्या दृष्टिकोण है तो समस्या और उलझ जाती है। हमारा सबसे पहला प्रयत्न होना चाहिए सम्यक दर्शन। हमारी दृष्टि साफ कैसे रहे, ये बहुत आवश्यक है। व्यवहार में भी आंख साफ नहीं है तो सत्य उपलब्ध नहीं होता। तो जिसकी भीतर की आंख जागृत नहीं है उसको तो सत्य उपलब्ध हो ही नहीं सकता। आंख का रोगी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुर्सी पर बिठा दिया और कहा देखो सामने, अक्षर देखो, अक्षर पढ़ो। बोला कहाँ है कि पट्ट पर, कि पट्ट कहाँ है कि टेबल पर, कि टेबल कहाँ है कि भीत के पास, कि भीत कहाँ है। डॉक्टर ने कहा चले जाओ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। जिसको अक्षर भी दिखाई नहीं देता, पट्ट भी दिखाई नहीं देता, भीत भी दिखाई नहीं देती, उसका फिर इलाज कैसे होगा। तो जिस व्यक्ति को सच्चाई दिखाई नहीं देती वह कोई सुखी जीवन नहीं जी सकता, अच्छा जीवन नहीं जी सकता। सबसे बड़ी बात है कि हमारा दर्शन सम्यक हो, आंख साफ हो, हम देख सकें। ये दो आंखें तो चर्म चक्षु हैं, ये तो हमारी है, इन आँखों से नहीं, एक और नेत्र होता है हमारा भीतर का नेत्र, उससे हम सच्चाई को देख सकते हैं। और जो आदमी उस भीतर की आँख से सच्चाई को देखता है वह कभी दुखी नहीं बनता। दुनिया में प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आती है, अनुकूल आती है, कोई भी व्यक्ति सदा एक रूप नहीं रहता। मैंने अनेक लोगों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, ऐसे लोगों को देखा जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े धनी थे, और कभी कहते कि अच्छा है, और ऐसी स्थिति में उनको रोते रोते भी देखा है। परिस्थितियाँ ऐसी आती है, कभी बेटे का दुख, कभी कुछ, कभी बंटवारे का, कभी भाइयों का। आचार्य तुलसी कलकत्ता में थे, बहुत पुरानी बात है, विक्रम संवत 16 की बात है। एक महिला आई दर्शन करने, और महिला उस समय के हिंदुस्तान के 2-4 बड़े उद्योगपति घराने की महिला थी। आकर बोली महाराज मैं दुखी बहुत हूँ, मुझे कुछ उपाय बताओ शांति का। हमने आश्चर्य के साथ कहा कि लोग तो तुम्हारे जैसा होने के लिए तरसते हैं। कभी इतने बड़े घराने की जो
इतना बड़ा औद्योगिक परिवार, औद्योगिक घराना, और जिसके पास अरबों अरबों की संपत्ति, और वह कहती है मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आपको दुख किस बात का है? तो मेरा दुख इस बात का है कि पति तो चले गए और बेटे कारखानों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी आदमी। तो ये तो चलता है सब, जहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता वहाँ लड़ाई झगड़ा कलह कदाग्रह ये तो सब लगे ही रहते हैं। यदि सम्यक दर्शन हो जाए हर परिस्थिति में आदमी शांति के साथ जी सकता है और रह सकता है। आंख साफ हो जाए, एक भिखारी भीख मांग रहा था, छोटी अवस्था थी, कोई 25-30 वर्ष का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंधा था। एक आदमी आया और रुपया मांगा, उसने दे दिया। फिर वह बोला कि अभी तुम युवा हो, अवस्था ज़्यादा नहीं है, वो भीख ही मांग रहे हो, तो बहुत लोग आते हैं, किसी के पास आंख क्यों नहीं मांग लेते? अब भिखारी ने जो उत्तर दिया इतना मार्मिक उत्तर है, वह बोला बाबूजी लोगों की जेब में पैसा तो है, मांगता हूँ दे देते, पर आंख है किसके पास जिसे मैं मांगू? कितनी एक गंभीर बात उसने कह दी। आंख का होना बड़ा मुश्किल है, आंख मिलना बड़ा कठिन काम है कि दृष्टिकोण, और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है एकदम ठीक होता है। थोड़ा दृष्टिकोण बदला और सब ठीक होता है। एक बार हम लोग दिल्ली में थे, जनता पार्टी का शासन था, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, पूज्य गुरुदेव वहाँ अध्यात्म साधना केंद्र में विराज रहे थे। हमें सूचना मिली कि इंदिरा जी आ रही, आना चाहती है। इंदिरा जी आई, साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी इंदिरा जी बहुत तनाव में, क्योंकि शासन दूसरा चल रहा था और कुछ समस्याएं चल रही थी, कब बहुत तनाव में। थोड़ी देर बात की, गुरुदेव ने कहा अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि काफ़ी तनाव है, ऐसा तो बहुत तनाव है, तो आप एक काम करें, प्रयोग करके देखें, आधा घंटा प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर लें और फिर आपको कैसा लगता है। ठीक है, गुरुदेव ने मुझे कहा इनको प्रयोग करा दो। हम भीतर एक कमरे में चले गए और मैंने आधा घंटा प्रयोग कराया और सारी बात समझाई। कभी तनाव कोई जरूरी नहीं है, परिस्थिति आ सकती है, पर परिस्थिति के बाद तनाव आना जरूरी नहीं है। परिस्थिति आना तो प्राकृतिक है, प्रकृति का स्वभाव है, इस दुनिया का नियम है, किंतु तनाव लाना, दुखी होना, यह कोई नियम नहीं है, यह तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। प्रयोग कराया, आधा घंटा के बाद फिर बाहर आई गुरुदेव के पास, आकर बोली कि मेरा तनाव सारा समाप्त हो गया, मैं आज बहुत प्रसन्न हो गई। और इसका उनकी लेखिका पॉपुलकर ने बहुत विस्तार से अपनी उनकी जीवनी में लिखा है सारा ये वर्णन। तो आप भी निश्चय करें कि परिस्थितियाँ तो आएगी, इस दुनिया में कोई भी जन्म लेगा वह परिस्थिति से मुक्त नहीं रह सकता, यह नियम है, मानकर चले, कभी बचपन में, कभी यौवन में, कभी बुढ़ापे में, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल परिस्थिति, ये सारी स्थितियां तो आएगी और उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। अगर परिस्थिति के साथ आदमी चले तो आदमी भी कठपुतली बन जाएगा। फिर तो कठपुतली में आदमी में अंतर क्या है? कठपुतली को जैसे नचाया जाता है वैसे नाचती है। हमने बचपन में एक संकल्प किया था कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगा, और उस संकल्प ने साधना के बहुत द्वार खोल दिए। किसी ने कोई प्रशंसा कर दी, राजी हो गया, इसका मतलब कि दूसरे के हाथ की कठपुतली है,
उसने प्रशंसा की इसलिए राजी हो गया, अपने आप में राजी नहीं है। और किसी ने निंदा कर दी वह नाराज हो गया, इसका मतलब वह भी कठपुतली है। राजी होना भी अपना स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, और नाराज भी अपने कर्तृत्व से नहीं हुआ, दूसरे के कारण हो रहा है। इसका अर्थ कि आदमी स्वतंत्र नहीं है, दूसरों के हाथ की कठपुतली है, जैसे नचाओ वैसे नाचता रहेगा। यह कोई जीवन अच्छा जीवन नहीं होता। धूप तेज होती है, रेत गर्म हो जाती है, धूल गर्म हो जाती है, ठंडी हवा चलती है तो रेत ठंडी, सर्दी में ठंडी हो जाती है। अपना अस्तित्व नहीं है धूल का, न तो वह ठंड और न गर्म, कभी ठंडी होती है कभी गर्म हो जाती है। ऐसे ही आदमी भी कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है, थोड़ा अनुकूल वातावरण मिलता है तो अहंकार में फूल जाता है, समाता ही नहीं है, और थोड़ा प्रतिकूल आया हीन भावना में चला जाता है। ये दो वृत्तियाँ हमेशा मनुष्य को सताती रहती है, एक हीनता की मनोवृत्ति, एक अहंकार की मनोवृत्ति। अहंकार की मनोवृत्ति, मनोविज्ञान में इन दोनों वृत्तियों पर बहुत लिखा गया है, बहुत सोचा गया है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, कि आदमी में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है और वह थोड़ी सी प्रतिकूल बात आई हीनता में चला जाएगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ बस, और थोड़ा सा अनुकूल वातावरण मिला और इतना अहंकार में चला जाता है कि कुछ दिखाई भी नहीं देता। ये सब क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोह, एक मोह है, मोह के कारण, मोह सबको नचा रहा, वह भीतर में है किसी को पता नहीं लगता। बाहर में तो कोई थोड़ा सा कष्ट दे तो आदमी उस वक्त न्यायालय में चला जाता है, मुकदमा दायर कर देता है, पर भीतर में बैठा हुआ नचा रहा है का तो कुछ नहीं होता। मोह, और मोह विचित्र मनस्थिति पैदा करता है, हमारी मन की स्थितियां बदलती रहती है, उसका कारण है मोह, यानी हमारी चेतना विकृत बन जाती है। जैसे नशे में आदमी ठीक सोच नहीं सकता, ठीक सोच नहीं सकता। एक भाई ने घटना सुनाई कि हिंदुस्तान का एक बड़ा उद्योगपति, वह मरणासन्न स्थिति में था, बेटा नहीं था, दत्तक ही पुत्र संभवतः था, तो उसका एक मित्र आया, देखा ये तो एकदम ऐसी स्थिति में है कि भीत से सिर टकरा रहा है, मरने की स्थिति में है, सुध-बुध भी नहीं है कि। तब उस लड़के को फोन किया कि तुम्हारे पिता की यह स्थिति है, तुम आ जाओ, पर वह तो मोह में ग्रस्त था। उसने कहा यह बात तो रोज सुनता हूँ कि पिताजी जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाते तो है नहीं, रोज सुन रहा हूँ मैं, तो सच बताओ कि जा रहे हैं तो मैं आऊँ, नहीं तो मुझे क्लब में अभी काम करना, क्लब में रहना। ये कोई कहानी नहीं है, ये प्रत्यक्ष की घटना है। ये सारा क्यों होता है कि मोह के कारण अब नशे की आदत हो गई, नशा पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, जानता है तो भी करता है। यह प्रश्न तो बहुत बार आता है कि हम जानते हैं अच्छा नहीं, फिर भी वह काम करते। हर आदमी में यह होता है कि मैं जानता हूँ ये अच्छा नहीं है, यह खाना डॉक्टर की मनाई है नहीं खाना चाहिए, फिर भी मैं खाता हूँ, यह काम नहीं करना चाहिए फिर भी मैं करता हूँ, जानता हूँ बुरा है फिर भी करता हूँ। अब क्यों करता है? कोई भीतर बैठा है नचाने वाला करा रहा है, और वह है मोह। अगर हम मोह को पकड़ सकें तो हमारा दृष्टिकोण भी सम्यक हो सकता है और हमारा चरित्र भी सम्यक हो सकता है। मैंने अनेक बार
कुछ जो राजनेता हैं उनसे कहा कि आपके विधानसभा में और पार्लियामेंट में कोई सदस्य आए उससे कम 3-4 सप्ताह का एक प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिससे मोह कम हो जाए थोड़ा, तो सही काम कर सकेंगे। फिर न तो पैसा इकट्ठा करने की बात होगी, न कोई घोटाले की बात होगी, न गबन की बात होगी। ये सारे क्यों होते हैं? सब जानते हैं कि अच्छा नहीं है, बुरा काम है, पर सब चल रहा है। बाजार में भी गड़बड़ियाँ चल रही है, मिलावट भी होती है, झूठा तोलमाप भी होता है और धोखाधड़ी भी बहुत होती है, सब कुछ चलता है। आज से नहीं, चलता ही आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, चलता आ रहा है सदा। पर प्रश्न क्यों चलता है, इसका समाधान खोजने के लिए कई राजनीतिक प्रणालियां हमारे सामने आई। कभी पहले राजतंत्र था, अब राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र आ गया। कभी समाजवाद की प्रणाली आई, कभी साम्यवाद की आई, अनेक प्रणालियां आई, पर समस्या को पकड़ा नहीं जा सका, पकड़ नहीं पाए। फ्रांस में एक मूर्ति है, बड़ी विचित्र मूर्ति है। तो प्राय ये होता है कि आदमी वृद्ध होता है तो आगे के केस साफ हो जाते हैं, पीछे के केस रहते हैं, लगभग यही होता है। पर उस मूर्ति में है, आगे तो केस है, पीछे साफ। तो पूछा ऐसा क्यों, तो उत्तर मिला कि इसलिए है कि एक क्षण है, तुम चलते हुए आगे से पकड़ सको तो पकड़ लो, और आगे चले गए पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। हम भी इस बात को पकड़ सकें, सच्चाई को पकड़ सकें और मोह को उपशांत कर सकें। यदि मुझे पूछा जाए कि धर्म साधना का उद्देश्य क्या है, आदमी धर्म क्यों करता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, धर्म साधना का एकमात्र उद्देश्य है मोह का उपशमन, और सब तो हमारे क्रियाकांड है। कोई आदमी भक्ति करता है, ये अलग अलग चल पड़े, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जिसकी जैसी रुचि वैसा करने लग गया, पर आखिर में पहुंचना कहाँ है। रास्ते अलग हो सकते हैं किंतु प्राप्य स्थान, गंतव्य स्थान दो नहीं हो सकता, वह तो हमारा एक ही होगा। अहमदाबाद पहुंचना है तो 10 रास्ते होंगे, सूरत से आएगा तो अलग सड़क आती है, आखिर सब रास्ता एक जगह मिल जाते हैं कि अहमदाबाद में प्रवेश हुआ और सारे रास्ते एक हो गए। पहुंचना कहाँ है, हम इस पर विचार करें। रास्तों पर विचार तब ठीक होगा जब पहले गंतव्य का निर्णय करें, ध्येय का निर्णय करें कि हमारा ध्येय कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ पहुँचना है, उसका निर्णय पहले होना चाहिए। पहुँचना है मोह का उपशमन, बस कसाय का उपशमन, यहाँ पहुँचना है। आत्मा की वह चेतना जहाँ मोह विलीन हो गया है, आत्मा की वह चेतना जहाँ सारा कषाय शांत हो गया है, कोई उत्तेजना नहीं है, आवेश नहीं है, न क्रोध का आवेश, न अहंकार का आवेश, न माया का आवेश और न लोभ का आवेश, न वासना और रति अरति का आवेश, सारी आवेश शांत हो गए। पहुँचना वहाँ है, अब उसको आप चाहे तो मोक्ष कह दें, चाहे आत्मा कह दें, चाहे परमात्मा, कुछ भी हो, उस अवस्था तक पहुंचना धर्म का एकमात्र ध्येय रहा है। किंतु बहुत लोग ध्येय को नहीं जानते। धर्म की आराधना भी वहां तक पहुंचने के लिए नहीं होती, जानते नहीं मुझे कहाँ जाना है। एक कोई आदमी गया स्टेशन मास्टर के पास, जाकर बोला बाबूजी टिकट दो।
उसने कहा कहाँ का? क्या मेरे ससुराल का। उसने कहा अरे गांव का नाम बता, तेरे ससुराल का टिकट नहीं होता, किस गांव को जाना चाहिए? कि गांव का नाम का तो मुझे पता नहीं। अब बोला मैं बेचारा मास्टर भी क्या करेगा, स्टेशन मास्टर, टिकट कहाँ किसे मिलेगा? उस जहाँ जाना उसे पता होना चाहिए मुझे किस गांव जाना है। इसलिए सबसे पहले ध्येय का निर्धारण करें। इतने लोग बैठे हैं, आपसे मैं पूछ भी सकता हूँ कि आप धर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपने ध्येय को स्पष्ट किया या नहीं किया? लक्ष्य का निर्धारण किया या नहीं किया? केवल साधनों में अटकना नहीं है, साध्य पर विचार करना है। जो व्यक्ति साधनों पर अटक जाता है, साध्य का पता नहीं है, तो वे साधन भी निकम्मे हो जाते हैं। पहले साध्य का निर्णय करें, लक्ष्य को स्पष्ट करें कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या होना है, धर्म क्यों कर रहे हैं। जरूरत नहीं है जिन लोगों के पास खाने को रोटी है, कपड़ा है, मकान है और सब कुछ साधन सामग्री है, उनको धर्म की कोई जरूरत नहीं है। क्यों करे वे धर्म, निकम्मा काम है उनके लिए, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर धर्म का संबंध पदार्थ से ही जोड़ें तब तो गरीब आदमी के लिए तो धर्म करना जरूरी है और अमीर आदमी के लिए धर्म करना बिल्कुल ना आवश्यक नहीं है। किंतु उल्टा कर देखें तो शायद यह है कि अमीर आदमी के लिए धर्म करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वह और ज़्यादा मोह में चला जाता, गरीब में इतना मोह नहीं होता। जैसे पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है, पदार्थ बढ़ता है, सुविधा बढ़ती है, वैसे ही साथ में मोह का ग्राफ भी ऊंचा चला जाता है। दोनों को देखो, धन का ग्राफ और मोह का ग्राफ, तो मोह का ग्राफ थोड़ा एक बिलान ऊंचा मिलेगा, वह नहीं है तो उतना बन भी नहीं सकता आदमी, आगे कैसे जा सकता है। इसलिए एक स्पष्ट अवधारणा करें, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन और ध्येय का निर्धारण करें, लक्ष्य का, कि मुझे क्या होना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। इन सारे पर विचार कर और हम एक समन्वय की खोज करें, अनेकांत दृष्टि अपनाएं और सम्यक दर्शन का विकास करें। ओम भारत।